आज मैं आपको सुमो इम्पार्ट इंस्टॉलेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं। ये हमारा पावर सॉकेट है, एसी लगेगा यहाँ पे, ये एसी ऑन ऑफ स्विच है, ये डीसी ऑन ऑफ है, यहाँ बैटरी से सॉकेट है, ये ऊपर वेइंग स्केल कनेक्ट होगा यहाँ पे, नीचे आरडीयू और एक इससे नीचे पेन ड्राइव है, ये स्टेटर का टाइमर है और फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने के लिए है। ये मशीन ऑन हो गई, ये शॉर्टकट की के ऑप्शन दिए हुए हैं, शॉर्टकट कैसे कैसे कलेक्शन विंडो में जाना है, क्या क्लीनिंग कैसे करनी है उसके लिए दिया हुआ है। और ये हमारा आरडीओ है, रिमोट डिस्प्ले यूनिट, और ये वेइंग स्केल है, वेट हमें यहाँ रखेंगे, उसका वेट यहाँ आएगा। ये हमारा कंप्लीट कलेक्शन यूनिट है, इसमें स्टरर है, मैकेनाइजर है, प्रिंटर है और इनबिल्ट डाटा प्रोसेसर है। इसमें आपका एक साल का डाटा इसमें स्टोर रहेगा। ऑपरेट करने से पहले आपके जितने भी फार्मर होंगे उनके नाम आप फिट कर लीजिए इसमें, और आपका जो दूध का रेट परचेजिंग रेट होगा वो डालना है आपने, उसके बाद आप इसमें कलेक्शन कर सकते हैं। इसको कलेक्शन करने के लिए पहले क्या है, सैंपल लेंगे जनरली, पहले इसको मिला लेंगे, इसके बाद स्टर करेंगे इसको हम। ये स्टर हो गया, ऑटोमेटिक हो गया, ऑफ हो गया, इसके बाद मिल्क कैनेजर लगाएंगे। ये हमारा मेजरमेंट है, यहाँ एंटर करेंगे रैंक, वेंडर रैंक वन ये है, इसमें आपका रेट डलता है डलेगा। अब हम कस्टमर का कोड डालेंगे, जैसे ही हमने कोड डाला कस्टमर का नाम भी इसमें आ जाएगा, जैसे आपने अगर अपने नाम डाला है तो एंटर कर देंगे, ये आपका मेजरिंग में आ गया। इसमें मल्टी कीबोर्ड है, आप एक्सटर्नल कीबोर्ड भी लगा सकते हैं और इसमें बिल्ट भी कीबोर्ड है, इसके अकॉर्डिंग इससे भी आप चला सकते हैं इसको। अभी टेम्परेचर शो कर रहा है, ये आप देखिए रिजल्ट आ गया आपका, ये क्वांटिटी आ गई जो वेग स्केल से ऑटोमेटिक जो आ रहा था, ये यहाँ आ गया, शो हो गया, फैट आ गया 6.1, SNF आ गया 8.8, रेट इस मिल्क का रेट आया 19.08, टोटल अमाउंट आ गया ये आपका। अब इसको आप एंटर करेंगे, ये आपकी स्लिप निकल गई और वेइंग स्केल ऑटो टेर हो गया ये, और ये ऑडियो जो स्लिप आया यहाँ प्रिंट आया वही चीज इस पे आपका शो हो जाएगा, कस्टमर कोड आ गया इस पे। अब हमारा कलेक्शन खत्म होने के बाद हमने इस शिफ्ट में कितना टोटल कलेक्शन किया उसकी रिपोर्ट हम जनरेट करेंगे, निकालेंगे। उसके लिए आपको रिपोर्ट पे जाएंगे, आप एंटर करेंगे, ये आ गया शिफ्ट समरी, मेंबर लेजर, पेमेंट रजिस्टर एंड डुप्लीकेट स्लिप। शिफ्ट समरी में हम निकालेंगे आज की शिफ्ट में हमने कितना कलेक्शन किया, टोटल कितना कलेक्शन आया। इसमें आप बैक डेट का भी आप निकाल सकते हैं कि बैक डेट में हमने कितना कलेक्शन किया है। स्लिप प्रिंट हो रही है, इसमें अब एक मेंबर का टोटल कितना उसने एक महीने में जो भी है 15 दिन में कितना भी आपका मिल्क दूध दिया उसका डेटा भी निकाल सकते हैं इसमें आप, वो मिल्क इसमें। फिर आप पेमेंट करना है आपने, पेमेंट भी आप निकाल सकते हैं 10 दिन का 15 दिन का जो भी होगा आपका शेड्यूल होता है उसके अकॉर्डिंग आप पेमेंट भी आप इसका निकाल सकते हैं। मशीन को साफ करेंगे, साफ करने के लिए जिस बीकर में आपने दूध लिया उसी बीकर में आपने पानी लेना है, पानी आप मशीन में लगाएंगे, इसके बाद आपने क्लीन बटन दबाना है, क्लीन आ गया, और फास्ट क्लीनिंग पे ही एंटर करेंगे हम। ये क्लीन साइकिल चल रही है, ये साइकिल आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं, 99 साइकिल तक आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसको आप।
ये क्लीन हो गई। वैसे ही आपको 3-4 बार करने पड़ेंगे कम से कम, ताकि मशीन प्रॉपर साफ रहे। है दो तरह के केमिकल भी आपके मशीन के साथ आएंगे, एक डेली है और एक वीकली है। 3 बार नॉर्मल पानी से करने के बाद आपको 3 बार केमिकल से करने पड़ेंगे, उसके बाद फिर 1 बार नॉर्मल पानी से साफ करना पड़ेगा। मैनुअल क्लीनिंग कर लेंगे ताकि मशीन अच्छी तरह साफ हो जाए। इसको आप खोल के आप ये प्लंजर लगाएंगे, ये मशीन के साथ आपको मिलेगा। और ये देखिए यहाँ पे पानी सक कर रहा है, ये ऐसे 5-6 बार कर लेंगे मशीन सही तरीके से क्लीन हो जाएगी।